वेल, हाल ही में डॉक्टर जयश्री शरद के टू स्ट्रे बुक का लॉन्च रखा गया और इस लॉन्च के मौके पर जहां पहुंचे मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर उनकी बेटी श्वेता नंदा और साथ में अमिताभ की पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन, उनके दूसरे बुक की अगर बात की जाए यानी कि डॉक्टर जयश्री शरद सेकंड बुक की बात की जाए तो वो कि स्किन रोल्स को लेकर है। ऐसे में यहाँ इस मौके पर लॉन्च करते हुए नजर आए अपने हाथों से अमिताभ बच्चन और श्वेता नंदा दीप जलाते हुए, और इसके लिए उन्हें जब स्टेज पर जाना पड़ा तो जया बच्चन वहाँ नीचे बैठी रह गई। जी हाँ, ऑडियंस के बीच जया बच्चन बैठी रही और जया को नीचे अकेला बैठने के लिए छोड़कर स्टेज पर भागते नजर आए पिता बेटी अमिताभ और श्वेता। सबके सामने देखिए किस तरह से अमिताभ और श्वेता को सम्मान मिलते देखकर सभी के सभी तालियां बजाने से नहीं रुके, तो जया भी वहां पर अपने पति और अपनी बेटी को स्टेज पर देख काफी खुश तो हुई होंगी। पर नहीं होता यकीन, तो देखिए जरा इस वीडियो में किस तरह जया के स्वागत में भी जमकर तालियां बजी। तो अमिताभ बच्चन के स्वागत के बाद उनके साथ फोटोज क्लिक कराने के लिए वहाँ तमाम फैंस मौजूद थे। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि श्वेता नंदा बच्चन की भी बुक के हाल ही में लॉन्च के मौके पर जया और अमिताभ पहुंचे थे। बता दें आपको, पैराडाइज ऑफ टावर के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, जो कि जया बच्चन की बेटी श्वेता की तरफ से लिखे गए एक नॉवल में से एक है, और उस नॉवल में जो कहानी है इसकी अब तक कोई बात सामने नहीं आई। यही खुला है राज कि उस लॉन्च के इवेंट को होस्ट किया था करण जौहर ने, जिन्होंने बताया था इसमें कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो उनके आसपास के हैं। सामने
नमस्कार देवी और सज्जनों, जयश्री ने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जयश्री नहीं कहना चाहिए बल्कि कहना चाहिए डॉक्टर जयश्री। बहुत अजीब तरीके से जयश्री से हमारी मुलाकात हुई। मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ और उस पर कई जितने लोग आते हैं उनसे पूछता हूँ कि आप यदि कुछ कहना हो मेरे ब्लॉग पर तो आप कह दीजिएगा, और उनमें लगातार एक महिला जो थी वो लिखती रहती थी। और फिर अचानक एक दिन हमारा फ़ोटोशूट हो रहा था, वहाँ पर आ गई। उन्होंने कहा कि मैं हूँ जयश्री। तो मुझे लगा ठीक है, कोई ऐसे ही एक फ़ैन है, आती रहती हैं। और धीरे धीरे जब हमारी जानकारी बढ़ी तो पता चला कि ये डॉक्टर जयश्री हैं। और फिर उन्होंने अपने काम के बारे में मुझे बताया। मुझे यकीन नहीं होता आज भी कि इतनी छोटी सी हल्की सी उम्र में ये इतना भयंकर काम करती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जयश्री, आपने ये मुझे दोबारा मौका दिया है यहाँ आने का, और आपके पुस्तक विमोचन पे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है जब आप कोई भी काम करती हैं उसका प्रचार होता है। गर्व इस बात का है कि आप, बहुत से लोग जानते नहीं कि ये जगह जगह जा करके लेक्चर देती हैं, न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी। और चाहे वो अमरीका हो, चाहे वो दक्षिण अमरीका हो, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ जा करके एक महिला जा करके लेक्चर दे, हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। गर्व इस बात की है कि ये भारत का झंडा जो है ये विदेश में जा करके गाड़ती, और केवल भारत के लिए नहीं, मुझे इस बात का गर्व है कि एक भारत की महिला जा करके देश में विदेश में जा करके अपना झंडा गाड़ती। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। May I please call on stage the editor of the book, Ms. Chadha. Please join us on stage as you're going to take us through a bunch of questions you would like to ask now. Writing a book is one thing, but editing is another. So, Gurveen, over to you. Thank you. Good evening, everybody, and welcome to the launch of Skin Rules. This is the second book by Jayashree, and I've been fortunate enough to be the editor on both books. I've known her for many, many years now, and I think everyone in the room can vouch for just how nice you are as a person, more than anything else. So I think I'd like to start off by asking you, it's been 4 years since your first book came out. I think 2014 was Skin Talks, and now it's Skin Rules 2018. So in those 4 years, what has changed for you professionally and personally? Thank you, Gurveen. I'm a bit nervous. At the outset, I would like to thank Sir and Shweta, and of course, Jayaji, and all of you here, Farah, Manish, Sophie, everybody who's here, Ehsan. Thank you so much. This really means so much to me. I wish my parents were here. I'm sure they're up there in heaven and feeling so happy that two of you who they really loved are here today for me. Mom and Papa, I hope. Yes, it's been 4 years since the last book. Professionally, Sir's already said it all. I don't have to say anything. But the book has added a lot of credibility, the Skin Talks, the first one. People write from all over the country to me, you know, from small towns, big towns, asking about their skin and telling me that we've read the book. So that really feels good. Personally, maybe I've grown a little wiser. Yeah.
As Mr. Bachchan mentioned, you've been traveling all over the world giving talks on dermatology, and I know you were writing another book alongside. It was a book on aesthetic dermatology. How did you find time to finish this book? Because as an editor, I've been chasing her with timelines, and I had a very strict timeline for her that you have to deliver on time, and you did. So how did you find time to finish this? I follow him. So when your guru and your sole inspiration is Mr. Amitabh Bachchan, everything is possible. Everything is possible. I followed him from the time I was a child. I used to, Jitesh was my friend from Filmfare. I used to hammer him every day. I have to meet.